देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। तुम्हारी हड्डी पटली तो ठीक है? एकदम ठीक। कोई की हड्डी तोड़ना है बताए दो, बाको चूरमा बनाए दिए। अरे बताओ, भगवान को लाख लाख शुक्र आए। तुम्हें पता मीटिंग चल रही थी, मीटिंग में अचानक से फोन आओ। बोलो तुम्हारे घर में कौन औरत पैसा लेके गिर गई। हम भागे भागे अम्मा के पास गए। नहीं नहीं कहे अम्मा के पास कहे गए, हमारे अंदर तुम्हें कौन से मर्दाना लक्षण दिख रहे हैं? ना ना जो हम मतलब का नहीं, अम्मा के पास मतलब ऐसा लगो हमें कि अम्मा की गिरने के चांस ज्यादा हैं। अच्छा नहीं, कौन से अखबार के भविष्यफल में जो लिखो है कि अम्मा ही गिरे हैं आज, नहीं बताओ। जो हमने कही का हमें ऐसा लगो कि एज उम्र हमें लगो कि जैसे फोन आओ ना अचानक तो हमारा दिमाग होता ही नहीं कैसे कि हमें लगो अम्मा की ये ज्यादा है। तुम्हारी उम्र काम है तो राज्य हमारी थोड़ी गिर सकती है। हाँ, तुम्हारी अम्मा पे ना उम्र को असर कछु ना दिख रहा हुआ है। अब वो दांत से अखरोट तोड़ के खा लेती हैं, बारह बारह रोटी पेल जाती हैं, और तो और जाओ उम्र का खाते हैं, बुजुर्ग का खाते हैं, दलिया खाते हैं, हल्को फुल्को दाल को पानी पिए थे। तुम्हारी अम्मा क्या कर रही है? तुम्हारी दिक्कत का है हमें जो खोल के बताओ कि तुम्हें जब दिक्कत है कि अम्मा के लाने दलिया की जगह पील पील कर रोटियां बनाने पड़ रही। नहीं, तुम्हें सिर्फ अपनी अम्मा की चिंता है, हमारी बिल्कुल फिक्र नहीं है, जे दिक्कत है हमें। बताओ, हम 2:30 बजे की जगह 6 बजे लौट रहे हैं, फिर भी किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। गौर से देखो, एक चप्पल तंग रेंगते हुए हमारे पास नहीं आई है कि बेटा इतना लेट क्यों हुआ, कुछ पूछ रहे हैं इन लोग? देखना, इनकी लड़ाइयों की वजह से ना ये घर टूट जाएगा और हम लोग रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे, क्योंकि अक्सर टूटे हुए घरों के बच्चे प्लेटफॉर्म पर ही मिलते हैं। चमची, देख देख देख, मानो मेरा सपना जो है उस सिंगर बनने को है, पर चाको मतलब जीन है कि तू मेरे मनोबल इतो गिरा दे कि रेलवे स्टेशन से शुरुआत करूं मैं। यार मेरा तो सारा मूड ही खराब हो गया, अब मुझे घर आने का मन ही नहीं करेगा। तुम्हारी तो जान के दुश्मन है। आओ लेओ, आए गई मन की बात, मुंह पे आए गई मन की बात आ गई। आओ आओ, मन की बात है। आओ, तुम्हारी मन की बात है। तुम तो सिर्फ हमें नौकरानी बनाने के लिए लेके आए हो। नौकरानी होगी तो आओ। इतने खड़े होके ना तो जो फायदा ना है, पर यहाँ खड़े खड़े तमाशा देखने को मिलेगा। जल्दी निकल लो, निकल लो। मैं तुम दोनों का डर। कैसी बच्चन जैसी बातें कर रही तुम? तुमने साबित कर दो वह पूरा घर गवाह है जब बात को। अब खोपड़ी ना पकड़ो, ऐसे कछु नहीं हुई है। अगला चैलेंज क्या है? ब्रिनो, 2 बार चारों खाने चित होके तसल्ली ना मिली है? अगला चैलेंज का है? माफ करियो अम्मा, एक बार तुमने सहारा लाओ भगवान को, दूसरी बार उम्र को तकाजा है ना, वरना जीत हमारी पक्की आती। कहले कहले जो मन आए कहले। देख रहा हूँ बेनिया, 2 बार हारने के बाद भी उड़ना ना छोड़ रहे जेलो। बताओ अम्मा, तुक्के की जीत का क्या जश्न मनाना? वैसे भी रज्जो ने त्रिया चरित्र नहीं दिखाया है, सीधा सीधा खेल रही है। तुक्का बस एक ही बार लगता है, 2 बार, दोनों बार विजयी भाई है। देखिए हमारी क्लाइंट ने ना चैलेंज को एक्सेप्ट करना सीखा है, एक्सेप्ट किया और उसके बाद जीत हासिल की है, भारी मतों से जीत हासिल की, और इसलिए हम लोग खुश हो रहे हैं, और आप लोग को रोना है तो रोइए। ओ हेलो, ज्यादा ना क्लाइंट की आड़ में फूदको मत। क्या कर?
सुनो, ऐसा है, मैं हमेशा सच के साथ खड़ा रहता हूँ। तो अपनी टांगे संभाल लो, चोट आने के फुल चांसेस है। एक सच हम भी बताए रहे हैं कि जो चुनौती देओ ना वो ना ढंग की देओ, और मौका जो हो बराबरी को मिले दोनों पक्ष को। आई बस समझ में? ना ना, अब बहुत होगा, बहुत होगा। ठीक है, का चुनौती है गो? लेकिन एक बात बता दे कि चीटी भले कितनी फुदके हाथी के आगे, हाथी को घुइया फरकना पड़तो है। अम्मा हमो बता दे कि बई चीटी अगर हाथी के नाक में जाके घुस जाए ना तो नाक में दम कर देते। नाक में दम तो कर ही रखो है जब से आई है अपने घर से। अच्छा, देखिए आप लोग शांत हो जाइए प्लीज, ऐसे लड़ाई झगड़ा करने से किसी को कुछ हासिल नहीं होगा। ना से पीटे हमें का बोल रहा है, भा को कह ना बाकी जो गजबर लंबी जबान हैगी। अम्मा कहीं तुम डर तो ना गई हो हमसे कि अगली बार कोई चैलेंज होए अबा में तुम मतलब मुंह के बल गिरो और जाओ मन में भी तुम दुनिया का मुंह दिखाई होगी, बताओ हार गई। अच्छा ना ना बेनिया, अब तो टू मच हो गया है ना, इसकी अकल ठिकाने लगानी पड़ेगी। तू बता अगली चुनौती का है, बता बता बेनी, ये लास्ट चैलेंज है, आर या पार, बताओ क्या चैलेंज? हाँ बताए, ऐसा करते हैं कि आप दोनों मतलब इस घर की महिलाओं को हम जहरीले सांप से डसवा देते हैं, कटवा देते हैं। हाँ, जिससे क्या होगा ना कि हप्पू को पता चलेगा तो हप्पू भागता हुआ आएगा, और हप्पू मतलब किसके जहर को पहले चूस के बाहर निकालता है वो जो है होगा विजेता, पता चल जाएगा। देखो आइयो पीटे, अब जा उम्र में हमें सांप से कटवाएगो, तुझे वकील करने बना दाओ। ओरिजिनल सांप से थोड़ी ना डसवाएंगे, आप लोग को सिर्फ उस वक्त सांप के काटने पर जो रिएक्शन एक्टिंग करनी पड़ती ना वो भर भर के करिएगा, क्योंकि उस चीज में तो आप लोग माहिर हो ही, हमें पता है वैसे। जब आस्तीन में ही सांप पाल रखे हैं तो बाहर से का बुलाना। बेनी, हमें चैलेंज मंजूर है। अच्छा, तुम बताओ जो कंपटीशन जो है, जो चुनौती, तुम एक्सेप्ट कर रही हो कि नहीं? हप्पू सिंह, मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ। द टेबल के बारे में मेरी समझ में नहीं आ रहा है हप्पू सिंह, कि तुम ड्यूटी के टाइम पे पर्सनल काम करते हो या पर्सनल काम के बीच में ड्यूटी, क्योंकि तुम ड्यूटी से ज़्यादा पर्सनल काम में बिजी हो। ना 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 ना, जज्जा बात में सच्चाई नहीं है साहब, असल में बात ना तो हमारी कछु मजबूरी ऐसी हो गई तो। उस दिन मेरे भी मजबूरी थी। यस, उस दिन मेरे भी मजबूरी थी, लेकिन आपने मुझे इतना सुनाया कि खाकी ये है, खाकी वो है, खाकी के लिए हमें ये करना चाहिए, खाकी के लिए हमें वो करना चाहिए, बस खाकी 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 का पाठ पढ़ा दिया आपने मुझे। खाकी सुन सुन के मेरे कान में छेद हो गए। आजकल मुझे कोई फोन भी आता है तो मैं पहले खाकी बोलता हूँ। और ज्यादा चेचे आने हैं? नहीं तो को नहीं लग रहा कछु ज्यादा चेचे आ रहा है। शट अप हप्पू सिंह। सर, मुझे लगता है तुम्हें छुट्टी की सख्त जरूरत है। वाह सर वाह, हमें बड़ी खुशी है कि आप हमारे लाने इतना सोचते हो। तो कुछ दिन के लिए डिसमिस कर दो, आराम करना घर पे आराम। नहीं नहीं नहीं, नेकी और पूछ पूछ अंदर। नहीं यार, हम बात समझो, हम गलत समझ गए थे, असल में हमें छुट्टी की जरूरत ही नहीं है, हमें नहीं चाहिए। ओके, तो फिर दोबारा ड्यूटी के टाइम पे नो पर्सनल काम, ठीक है? बिल्कुल नहीं, आज के बाद आपको शिकायत को मौका ना मिलेगा। हप्पू सिंह, मेरी चेतावनी को सीरियसली लेना। हम आपके सर की कसम खा रहे हैं, आज के बाद जिन
तो देखिए दर्शकों, अब हम देखते हैं कि हप्पू सिंह अपनी बात पर कायम रहते हैं कि हर बार की तरह कमिश्नर साहब को चू रन की गोली देकर भाग जाते हैं। देखते हैं आज के एपिसोड में। हेलो दरोगा साहब, एक बहुत बुरी खबर है। अरे यार, जब भी फोन आते हुए बुरी ही खबर के लाने काहे आते हैं? अब का नव होगो दादा? क्या आपके फैमिली में पहले किसी सांप ने किसी को काटा है? ना ना। तो इस बार ये नई खबर है। जल्दी से घर भाग के चले आइए, क्योंकि घर की दो औरतों को जहरीले सांप ने डस लिया है। हट 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 जा। गजब। तो बहू तैयार हो जा हारने के लाने, अभी देखियो हम आओ लाल कैसे भागा भागा आएगा, हमें बचाएगो। अम्मा ये चैलेंज हमें ही जीते हैं और तुम्हारा जो भरम है वो चकनाचूर हो जाए। ये देखो। अरे ऋतिक, तू तो छुपा रस्तम निकला, पहली बाजी में जीत गया। मैं जीत गया? मैं जीता। अरे भाई, ये तो बड़ी आसान गेम है यार, मैं तो एक मिनट में सीख गया। वाह वाह वाह, बढ़िया है बढ़िया, मैं जीत गया। बहुत बढ़िया, टाइम पास तो मजा आ रहा है यार। अगर इसमें पैसे लगा दो ना तो मजा दुगना हो जाता है। पैसा? पैसा क्या फायदा, मेरे पास तो बस 50 रुपए है। ये ले 1 रुपया मेरी तरफ से, शगुन के अकाउंट से शुरुआत कर। चलो 50 रुपए। इस बार मैं 100 रुपए लगा रहा हूँ। 100 रुपए? चलो दिखा देते हैं, 1 2 3 एंड गो। कौन जीता कौन जीता? यार ऋतिक, तू तो छुपा रुस्तम निकला, ये बाजी भी जीत गया। ये सारे पैसे मेरे, मतलब ये 100 पास, ये सब मेरे हैं। ओ, मैं जीत गया यार, मजा आ गया। अच्छा रणबीर, आज देख कितने सारे पैसे कमाए हैं, कल वापस आएंगे, कल वापस खेलेंगे पत्ते। अच्छा मैं क्या कह रहा हूँ, आज अपना लकी डे है ना, तो तू भी अपने पैसे लगा दे, है ना तेरे पास? चलो फिर से खेलते। चलो अब मैं भी लगाऊंगा 100 रुपए। ये देखिए, कमबख्त नालायक पढ़ने लिखने की उम्र में जुआ खेल रहे। ऐसे ऐसे भी करते ना कुछ। चलो अब ये लो। इनके माँ बाप को भी तो पता चले कि बच्चे क्या गुल खिला रहे हैं। चो बताइए, संस्कार नाम का तो चीज ही है। ये ले ये ले ये ले। ये कौन है? कौन है ये? अरे रे, ये जोकर इंसान कौन है तू? पता नहीं तू कहानी कहाँ कहाँ से आया। हाय हाय। अरे अम्मा, अरे तुम्हें क्या हो? ये जो क्या हो रहा है जो?
देख लेना बेनी, जीजू रज्जो को ही बचाएंगे। अरे बेनी बिबलेस बचाने की जगह छुपके तमाशा देख रही, जाको मतलब कछु गड़बड़ है सोसो। अरे दादा, अरे हाय, चूलाल गिर गया। हपुआ, ए कहाँ होगा वो? अरे बेटा, हाँ, ए दरोगा जी, बेटा, हमें कन खजूरे ने काटो है तो हमें बस छोटे से चोट लगी, देखो हाय, देखो कहाँ होगा वो? जीजू क्या बचाते, ये तो खुद ही बेहोश हो गए। हमें क्या लग रहा है ना चाची, मतलब ये सांप के काटने की बात सुन के ना घबरा गया और वही चक्कर में बेहोश होके गिर गया ये। हाँ हाँ हाँ, ए उठो, कहीं ना उठ रहे हो, उठो जीजू। लो ये तो फिर से मैच ड्रॉ हो गया, अब क्या करें? ना ना करना का है, हमने खुद ही अपनी आंखन से देखो है कि हपुआ हमारी तरफ दौड़ रहा हो, तो जाको मतबल है कि हमें बचाने के लाने दौड़ रहा हो, तो समझी तू? ए अम्मा, कितनी तुम झूठी बोल रही हो, कछु ना आ रही है, तुम्हारी आंखें कमजोर हो गई हैं, अबे हमारी तरफ आ रही है, उनने हमें बचाओ, बोलो ना बिन्नो। हाँ। अरे अब देखो सुनिए महिलाओं, ऐसा है कि ये जो हुआ ना हादसा, तो इससे तो समझ में नहीं आया कि ये किसको बचा रहा था किसको नहीं बचा रहा था, मतलब पॉइंट किसको मिलेंगे किसको नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए अब ऐसा नहीं कि अब अगला एक बहुत ही तगड़ा जुगाड़ सोचना पड़ेगा, आइडिया निकालना पड़ेगा, जिससे कि ये पता चले अब हप्पू जो है ये चाची आपको बचाएगा कि राजेश तुमको, मतलब पॉइंट किसको मिलेंगे तब पता चलेगा। अरे हमारी तरफ आएगा, अच्छा खैर वो सब बाद में करेंगे, पहले बेचारे को उठा के अंदर ले जाओ, पॉइंट तो हम निकालेंगे। अच्छो रहो बहनी, कन खजूरा है तू, सांप हो तो तू मरई जाती है। सही कह रहे ना? हम सही, सही, हमने देखा खुद, देखो है ना। हाँ देखा देखा, कन खजूरा ही था, और लेकिन मान गया गुरु, क्या टाइमिंग थी कन खजूरों की, मतलब दोनों चाची और राजेश दोनों को जो है इक्कीस साथ काट दी, बताओ। टाइमिंग वही टाइमिंग ही है। वैसे हम सांप को अगर देखते तो कसम से नाम सुन के ही ना हमारे तो गुर्दा ढीले हो जाते हैं, तो वो तो पता ही है, गिली हो जाती है ना, पतलू ना सांप, खतरनाक सांप। हाँ मतलब चूलाल तुम यार कैसे कैसे मर्द हो यार, मतलब सांप को देखे तुम एकदम घबरा गए, एकदम बेहोश हो गए एकदम, हमारे दोस्त और ऐसी बात है, डरपोक है, डरपोक है, डरपोक है ना। चूलाल एक बात पूछे, अगर मान लो कि सच में कोई जहरीला सा सांप जो है चाची और राजेश दोनों को इक्कीस साथ काट ली होता, तो फिर तुम बचाते किसको? और सवाल जवाब गेम शो खेलवाए तो को? नहीं नहीं यार, हमने तो चुमलाल चुमलाल, हमने तो सीधा साधा मासूम सा सवाल पूछा, तुम हमको ऐसे काम मारने लगे भाई? मासूम सा सवाल है, मासूम सा सवाल है सारे, नॉर्मली बस पूछ लिया। मैं काय पूछूं, क्योंकि क्या है कि जीवन में कुछ भी हो सकता है, कभी भी कोई भी चीज कहीं भी किसी चीज को काट सकती है, यही लिए पूछ लिया, इसमें कौन सा गलत कर लिया बता। बेटा तू वो थाली को बैगन है, एक बात बताएं, अगर हमें वो सारो सांप मिल जाए ना जो तू को काटे, बस सांप को ढूंढ के बाकी आरती उतार के बाको ऐसे दूध पिलाएं हम। चोमूलाल चोमूलाल कैसी बात कर रहे हो यार, निर्दयी टाइप के दोस्त हो, तो मतलब हम तुम्हारे दोस्त हैं और जिस दोस्त को सांप ने काटा तुम उसी को जाके दूध पिलाओगे? करेक्ट। कैसे आस्तीन को सांप तो चूही है, चूही है सारे, सारे। अरे यार हमने तो सवाल पे तुम नाराज हो जा रहे, हमने तो पहले ही बोला था ना कि मान लो। नहीं तो काय मान ले, काय मान ले, काय मान ले। अच्छा अच्छा समझ गए समझ, सुनो ऐसा है ना, तुम्हें ज्यादा चढ़ गई है? ना 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 रे चढ़ी दादा, अबे तो चढ़ी ही नहीं है, अबे बैठो ना। नहीं नहीं हम, अरे जवाब तो सुन लो दादा, लेकिन जवाब देने से पहले ना हमें तू बस सिर्फ इतना बता दे, थाली को बैगन
तू पार्टी कौन सी पकड़े हैं आजकल? अम्मा की तरफ है कि रज्जू की तरफ है? कहाँ मर रही तुम? खाली बैगन कद्दू कोहड़ा क्या बोल रहे तुम? खुल के बोलो यार, एकदम खुल के बोले। हाँ। सब कछु तो को खुल के हमारे ही मुंह से सुनने, अपने मुंह से सारे कछु नहीं सुनने, अरे कछु नहीं सुनने, सारे हमारे ही मुंह से सुनने दगाबाज। शर्म ना आ रही दोस्ती को ढोंग कर तो है, और अम्मा और रज्जू से सारे मिल गओ हैं और हमें उल्लू बना रहो और सारे को खुल के सुनने। अरे तो क्या करें यार, तुम तो जानते हो यार, तुम मतलब तुम्हारी अम्मा है, बचपन से तुमको वो उन्होंने पाला पोसा, इतना बड़ा किया है, उनको पता नहीं उनका नेचर कैसा है? बात बात पे तो एकदम नींबू निचोड़ते लगती है, सिकंजी बनाने लगती है, मुरब्बा बना के हमको बेच देती है अगर हम उनके साइज ना लेते, उनके बेल पे ना आते, उनके बैगन ना बनते तो। हाँ। अबे बना रहे बैगन ही बना रहे, थाली को बैगन है ना, तो अब तू थोड़ी देर इतने को लुढ़क गया जो खेल हमारे संग में खेल रहा हो, तो अब हमारी तरफ से खेल, मतलब अम्मा और रज्जू के लाने खेल हम खिलवाएंगे। डन 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 डन।